योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोचिंग टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे दो फॉल्ट की। दोस्तों आपके गैस गीजर में बिल्कुल सब चीज़ें सही हैं, लाइटर भी ऑन हो रहे हैं, रिले भी ऊपर उठ रही है, लेकिन आपका गैस गीजर नहीं जल रहा। एक फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे दोस्तों हम ये, और एक फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे दोस्तों अगर आपने सिलेंडर को चेंज किया है और उसके बाद आपका गैस गीजर ऑन नहीं हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों तो चलिए देखिए, लाइटर जल रहे हैं, रिले भी ऊपर उठ रही है क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारा गैस गीज़र में फ्लेम नहीं जल रहा। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि या तो हमारे गैस गीज़र में गैस की सप्लाई नहीं आ रही। इसके लिए सबसे पहले हमें ये शोर करना पड़ेगा कि हमारी सप्लाई कहाँ से बाधित है। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो हमारा गैस गीज़र में गैस वाला जो स्क्रू है, जो नीचे पीतल वाला होता है, यहाँ से आपको खोलकर देखना पड़ेगा कि यहाँ तक गैस की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि कई बार पाइप भी ब्लॉक हो सकती है और कई बार रेगुलेटर ख़राब हो सकता है। इसलिए अगर आपका ये नट खुलने वाला है, आसानी से खुल सकता है, तो आप यहाँ चेक कर लीजिए। अगर यहाँ से ये नट नहीं खुल पा रहा तो आपको रेगुलेटर के पास जाकर वहाँ चेक करना पड़ेगा कि रेगुलेटर गैस को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए आप रेगुलेटर के पास जाइए और उसकी पाइपलाइन को हटाइए। इस प्रक्रिया के दौरान दोस्तों आप कहीं भी कोई ज्वलनशील चीज़ नहीं जल रही होती है, इसलिए उसको बंद कर दीजिएगा और फिर गैस रेगुलेटर के नोब को घुमाकर ये देखिए कि इसमें से गैस आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि ये साउंड आपको सुनाई देगा और गैस की गंध भी आपको महसूस होगी। अब देखिए इसमें से कोई भी साउंड, कोई भी गंध नहीं आ रही, तो मेरे को कन्फर्म है कि ये मेरा रेगुलेटर ख़राब है, क्योंकि जब भी सही रेगुलेटर होता है उसमें से एक गैस पास होने की ज़ोरदार आवाज़ आती है और गंध भी महसूस होती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इससे दारद हैं, यानी कि ये रेगुलेटर बिल्कुल ख़राब है। अब मैं नया रेगुलेटर लगाकर इसको चेक करूँगा, इसके साउंड को सुनूँगा, इसकी गंध को महसूस करूँगा। देखिए दोस्तों अब मैं साउंड महसूस कर रहा हूँ, सुनाई दे रहा है मेरे को, गंध भी महसूस हो रही है, यानी कि मेरा रेगुलेटर ख़राब था और मैंने रेगुलेटर को बदल दिया तो मेरा गैस गीजर बिल्कुल सही चलेगा। कई परिस्थितियों में क्या होता है दोस्तों, गैस रेगुलेटर प्रेशर ज़्यादा फेंक देता है, उसमें भी गैस गीजर नहीं चलता, इसलिए उसमें भी आपको रेगुलेटर ही बदलना होगा। देखिए दोस्तों रेगुलेटर बदलने के बाद मैं अब गैस गीजर को चालू कर दिया है। देखिए आप फ्लेम जल चुकी है, बिल्कुल सही से मेरी फ्लेम गैस गीजर में जल रही है, यानी कि इस चीज़ में हमने देखा कि रेगुलेटर ख़राब होने की वजह से ये फॉल्ट आ जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरे फॉल्ट की। दूसरे फॉल्ट का दोस्तों बहुत ही कॉमन फॉल्ट है और ये फॉल्ट लगभग हर व्यक्ति को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। इस फॉल्ट के अंदर दोस्तों ये होता है कि जैसे हम कभी सिलेंडर खाली होने के बाद सिलेंडर को बदलते हैं, तो उस अवस्था में सिलेंडर बदलने के बाद हमारा गैस गीजर ऑन नहीं होता, उसके दौरान आपको क्या फॉल्ट फाइंडिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, सिलेंडर बदलने के बाद जैसे आपने गैस गीजर लाया, लाइटर ऑन हो जाते हैं, लेकिन जो रिले का साउंड है वो आपको नहीं सुनाई देता, यानी कि आपकी रिले ऊपर नहीं उठ पाती। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो जैसे हम सिलेंडर को चेंज करते हैं, कुछ तो सिलेंडर हमारा नया होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होता है, फिर जैसे हम खाली सिलेंडर से रेगुलेटर को निकालते हैं और दूसरा रेगुलेटर लगाते हैं, उसमें से ज़्यादा जब हम नोब को खोलते हैं कुछ प्रेशर ज़्यादा, अगर आपकी पाइपलाइन लंबी है या फिर छोटी पाइपलाइन में भी प्रेशर कुछ ज़्यादा अतिरिक्त हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो SV रिले है, जो सोलनॉइड रिले जो गैस सप्लाई के ऊपर लगा हुआ है, उस पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिससे वो रिले ऊपर नहीं उठ पाती और हम सोचते हैं कि रिले हमारी गैस गीजर में कोई ख़राबी आ गई है, लेकिन उसमें कुछ खराबी नहीं आती, एक अतिरिक्त प्रेशर जो पाइपलाइन में भर गया है। देखिए ये प्लंजर होता है इस रिले में और ये प्लंजर ऊपर नहीं उठ पाता, अतिरिक्त दबाव पड़ने से ये प्लंजर जाम हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप रिले खोल कर थोड़ा प्रेशर रिलीज़ कर दीजिए, रेगुलेटर ऑन होने की परिस्थिति में आपको गैस गीजर को चालू नहीं रखना है इस दौरान, ये ध्यान रखिएगा, और कोई भी ज्वलनशील चीज़ें यहाँ आसपास नहीं रखनी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो जो आप ये वाल देख रहे हैं दोस्तों, पीतल वाला जो मैंने आपको अभी दिखाया, इसको थोड़ा सा खोल दीजिए, यानी कि इसमें से गैस को पर्ज कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स्ट्रा दबाव आपकी पाइपलाइन में है वो रिलीज हो जाएगा, और इसको दोबारा से टाइट कर दीजिए अच्छी तरह से। जब आपको ये लगे कि हाँ वाल हमारा बिल्कुल टाइट हो गया है, तो आप गैस गीजर को ऑन कीजिए और आप देखिए आपका गैस गीजर जल उठेगा। तो दोस्तों मैं एक फॉल्ट की ओर बात करूंगा आपके साथ, ये फॉल्ट भी कई बार हमें फेस करना पड़ता है। इस फॉल्ट में क्या होता है कि हम सिलेंडर को चेंज नहीं करते, लेकिन हम जिस सिलेंडर का यूज़ करते हैं उसके साथ हमें बार बार इस नट
खोलना और बंद करना पड़ता है, यानी इसे प्रेस करना पड़ता है। दोस्तों ये परेशानी क्यों आती है उसके लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ एक बार आप उसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। दोस्तों ये सिचुएशन आती है जो हमारी गैस पाइप होती है जो हम रेगुलेटर से लेकर हमारे गैस गीजर तक में लगाते हैं, उसमें हम कई बार क्या करते हैं कि हम पाइपलाइन को बहुत ज़्यादा लंबी कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो गैस रेगुलेटर से लेकर गैस गीजर तक होगी वो कुछ ज़्यादा दबाव बनाती है, और जिससे रिले का प्लंजर ऊपर नहीं उठ पाता और हमें बार बार इस नट को खोलना पड़ता है, जिससे थोड़ी गैस हम निकाल देते हैं और हमारी रिले काम करने लग जाती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि गैस का जो पाइप है उसे हम सीमित रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।